सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये है लेनोवो का मोबाइल, और लेनोवो में अगर आपके बहुत बार क्या होता है कि मैंने जैसे कि मैं लेनोवो के माइक लाया, लेकिन माइक है जो प्रॉपरली आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है उसमें, इसके कारण मैंने इसमें सैमसंग का माइक अटैच किया है। तो अगर आपको लेनोवो के मोबाइल में अगर सैमसंग का माइक अटैच करना है, लगाना है, अगर आपको जम्पर लगा के वो कैसे लगाना है, तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबा रखा है पास में घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अटैच किया है माइक को, ठीक है ना। मैं आपको वैसे तो मैं कॉलिंग करके आपको बता देता हूँ कि इसमें आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है ना। ये मैंने लगा दिया है इसको, और कैसे लगाया है वो बिल्कुल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि ये माइक है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये यहाँ पे अपना माइक अटैच होता है, ठीक है ना। ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये दोनों प्रिंट, ठीक है ना, ये दोनों प्रिंट दिख रहे हैं जो आपको, ये वाली, ये दोनों अपनी प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। और ये दोनों आगे वाली प्रिंट देख रही है जो अपनी ग्राउंड है, ठीक है ना, ये भी ग्राउंड ही है। तो आपको इसको तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों प्रिंट हैं ग्राउंड प्लस वाले पॉइंट से आपको बता रहा हूँ आपके सैमसंग में आपको कैसे लगाना है। सैमसंग का माइक है ये, इसमें बीच वाला ये ग्राउंड है, और ये वाला ग्राउंड है, और ये वाला भी ग्राउंड है, ठीक है ना, और ये दोनों प्लस पॉइंट है अपने, ठीक है ना। तो आपको ग्राउंड यहाँ से उठाना है बीच वाले पॉइंट से, और आपको यहाँ पे लगा देना है क्योंकि ये ग्राउंड है, ठीक है ना। और प्लस पॉइंट में देख लो, प्लस पॉइंट में आपको यहाँ से जम्पर लेना है एक, ठीक है ना, यहाँ से, और आपको यहाँ पे लगा देना है, और सेकंड आपको यहाँ से लेना है, और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जैसे कि आप कन्फ्यूज़न हो रहा होगा थोड़ा, ठीक है, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। जैसे कि अपना ये माइक है, ये अपना छेद है, ठीक है, जहाँ से आप आवाज़ अपनी इससे जाती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जैसे कि ये छेद से छेद मिला रहे हैं अपन, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे अपन छेद मिला रहे हैं, ये समझ जाओ, ठीक है ना। तो छेद के जो अपने जिस तरफ इसके, जैसे कि इसका इधर का है तो इधर लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, और साइड वाला है वो यहाँ पे लगा देना है, मतलब सीधा ही लगाना है जैसे माइक लग रहा है उसके हिसाब से लगाना है। और माइनस का बीच वाला है तो आपको आगे के इस साइड पे यहाँ पे लगा देना है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर काम कर रहा है, अगर माइक आपका बिल्कुल सही है तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि मैं माइक अभी लेके आया था, ये आपको देख रहे हैं ये, लेकिन वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब आवाज़ बहुत स्लो जा रही है इनमें, तो थोड़े सही ढंग के नहीं है इसके हिसाब से, क्योंकि एक बार में लगाने पे तो बिल्कुल काम करता है, लेकिन पता नहीं माइक सही ढंग के नहीं है इसके हिसाब से ये लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे आप सैमसंग का माइक लगा सकते हैं इसमें लेनोवो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो इसके हिसाब से आप जरूर लाइक करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।